पार्ट 3 में हम देख चुके हैं रोमियो तकाकी को बाइट करने वाला था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 4 में हम देखते हैं उन दोनों को, देख हिरोतो भाग कर उसे दूर हटाता है क्योंकि हिरोतो बस लाइक मेरी गर्लफ्रेंड पे ट्राई मार रहा है। पर तकाकी कहती है हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, पर इतने में रोमियो गायब। इधर मकातो वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर पे आई थी और वो उसे बता देती है कि मैं कल रात रोमियो के साथ म्यूजिक रूम में लॉक हो गई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे उसकी फर्स्ट लव वाली फ़ोटो वापस दे देता है। जब मकातो मून को देख रही थी तो वाइस प्रेसिडेंट उसे किस करने लगा था, पर कैट की आवाज़ सुन मकातो कैट को ढूंढने लगी थी एंड रोमियो ने देख लेता है। वाइस प्रेसिडेंट मकातो को शादी के लिए प्रपोज करता है पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती, तो वो कहता है कोई नहीं तुम सोचकर बाद में रिप्लाई कर देना। स्कूल में रोमियो मकातो से कहता है तुम वाइस प्रेसिडेंट से शादी करने वाली हो ना। वो तो हैरान थी कि उसे कैसे पता चल गया, पर वो पूछता है तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों नहीं की, क्या अयोमियो की वजह से। वो कहती है तुम्हें इससे क्या और चली जाती है। रोमियो को स्कूल से बाहर जाते देख वाइस प्रेसिडेंट उसे लेक्चर लेने के लिए रोकने लगा था। देन रोमियो कहता है तू उसे किस तो नहीं कर पाया, मुझे क्या रोकेगा, तुझे पता है उसने तेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तू हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंसान अमर नहीं है। रात में जब रोमियो मकातो का ब्लड सक करने उसके रूम में आता है तभी वो मकातो के फर्स्ट लव अयोमियो की फ़ोटो देख लेता है और हैरान था। क्लास में जब सब हिरोतो का लव लेटर देख लेते हैं जो वो तकाकी को देने वाला था, तो वो तकाकी को प्रपोज कर देता है बट वो ना कर चली जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे सैड ना होने को कहते हैं, पर हिरोतो डिसाइड करता है कि वो अपने लव पे गिव अप नहीं करेगा। रोमियो मकातो से कहता है तुम अभी भी अयोमियो को लव करती हो ना, तभी तो वाइस प्रेसिडेंट का कोई रिप्लाई नहीं किया। वो कहती है पर मुझे उसे भूलना होगा, यही लाइफ है। वो कहता है तुम चाहो तो अमर भी हो सकती हो मेरे साथ, और उसे बाइट करने लगा था। वो कहती है जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूँ तुम मुझे उसकी याद क्यों दिलाते हो। हाँ मैं उसे लव करती हूँ, और रोते रोते उसे हक कर लेती है, तो वो भी उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे रोमियो जो कभी ब्रेकफास्ट नहीं खाता था अचानक से सारा ब्रेकफास्ट खा लेता है, तो सब हैरान थे। मकातो वाइस प्रेसिडेंट के प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है और फिर रोमियो को रोते हुए हक करने के लिए उससे सॉरी बोलती है, पर वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहती है तुम भी अयोमियो की तरह बहुत काइंड हो। सब स्टूडेंट्स वेम्पायर शो के लिए काम कर रहे थे तभी वाइस प्रेसिडेंट आकर रोमियो को सुनाने लगता है कि उसकी मकातो के साथ इंगेजमेंट होने वाली है। तो रोमियो गुस्से से उसकी तरफ आता है, वो तो डर ही गया था, पर रोमियो तो हिरोतो को हटाकर खुद उसकी जगह वुड काटने लगा था। रोमियो को सबके साथ काम करता देख मकातो खुश होती है, पर मकातो को वाइस प्रेसिडेंट के साथ जाता देख रोमियो सैड होता है। रात में जब एक चोर मकातो का पर्स छीन कर ले जाने लगा था तो रोमियो उसे अपनी सुपर पावर से गिरा देता है। बेचारा चोर तो डर के मारे उठकर भाग जाता है, यहाँ तक कि मकातो भी काफ़ी डर गई थी। नेक्स्ट डे मकातो क्लास में सबको रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी पढ़ा रही थी जो रोमियो ध्यान से सुन रहा था। और फिर जब वो दोनों सब स्टूडेंट्स के लिए राइस बॉल्स बना रहे थे तो वो पूछता है लास्ट में रोमियो जूलियट के साथ क्या होगा। वो कहती है उन दोनों की विश पूरी हो गई क्योंकि ट्रू लव हमेशा मर रहता है। रोमियो की हेल्प से सबने वेम्पायर शो के लिए पेंटिंग कंप्लीट कर ली थी, तो सब खुश होते हैं और फिर सब साथ में बैठकर राइस बॉल्स खाते हैं। रोमियो जिन इंसानों से नफरत करता है धीरे धीरे मकातो की वजह से सब इंसानों को लाइक करने लगा। फिर जब वो दोनों स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो कहता है पर हम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम अलग अलग दुनिया से हैं। वो कहती है हम साथ रह सकते हैं, ट्रू लव की पावर पर भरोसा रखो, और उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसे देखने लगता है। एक पेंटिंग गिरने वाली थी तो मकातो उसे पकड़कर बचा लेती है, पर पेंटिंग से उसके फेस पे पेंट लग गया था। ये देख रोमियो को हंसी आ जाती है, उसे हंसता देख वो भी खुश होती है।
अब तो क्रोमियो मॉम की भी सर्विंग में हेल्प करता है। तो सब उसके बिहेव से हैरान थे, पर फिर खुश होते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि क्रोमियो को लव हो गया है। नेक्स्ट सीन में मकातो पहले तो क्रोमियो की तारीफें करती है, पर फिर कहती है, तुम वैम्पायर हो ना और मेरा ब्लड सक करने आए हो, यू मॉन्स्टर। ये सुनते ही क्रोमियो सपने से उठ जाता है। शिंजो से पूछने आया था पर वो उस पर चिल्लाकर पड़ता है। गर्ल्स स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हैं जिसमें वो सब वैम्पायर्स को ब्लड सकर मॉन्स्टर बोल रही थी, तो क्रोमियो ये सुन गुस्से से जाने लगता है। मकातो वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, वैम्पायर और ह्यूमन की लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है ना। वो कहता है, पर वैम्पायर तो इंसानों का ब्लड सक करते हैं, तो वो तो इंसानों के दुश्मन हुए। वो कहती है, हाँ बात तो सही है। ये सुन तो क्रोमियो को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से से भागने लगा था। कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो उनमें से एक लड़के से टकरा जाता है। फिर क्या, वो लड़के क्रोमियो को पीटने के लिए उठाकर ले जाते हैं, जो हिरोतो देख लेता है और फिर वो फ़ोन कर मकातो को सब बता देता है, तो मकातो भागती है। इधर वो लड़के क्रोमियो को मारने लगे थे, एक तो उसके चाकू भी मार देता है जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था, तो क्रोमियो गुस्से से उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। फिर क्या, एक एक कर हमारा वैम्पायर सबकी धुलाई स्टार्ट कर देता है। एक लड़का उसे मॉन्स्टर बोलता हुआ डर के मारे भाग जाता है। मकातो वहाँ कर देखती है कि सब गुंडे बिखरे पड़े हैं। तभी वो क्रोमियो के ब्लड को देखने लगती है, पर उसके तो कोई भी चोट नहीं लगी थी। पर वो उसे दूर हो कहता है, दूर रहो मुझसे, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं फिर से कभी तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, और चला जाता है। पर मकातो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट क्रोमियो बेहोश होकर गिर जाता है, तो वैम्पायर अंकल उसे अपने घर ले गया था और कहता है, तुझे अपनी सुपर पावर्स स्टूपिड इंसानों की वजह से वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पर वो उठकर चला जाता है। सब गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी कि क्रोमियो ने अकेले ही सब गुंडों को पीटा था। देन हिरोतो बस लाइक, मैंने भी उन गुंडों से फाइट की थी, क्रोमियो से ज़्यादा तो मैंने ही पीटा था। क्रोमियो के घर आते ही वो सब मिलके शिंजो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। पर कैमरे की फ्लैश लाइट से क्रोमियो को कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। शिंजो क्रोमियो से उसकी बर्थडे डेट पूछता है, पर क्रोमियो कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि वो एक ताबूत में से उठा था और वैम्पायर अंकल ने ही उसका नाम रखा था। धीरे धीरे क्रोमियो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया था। फिर वैम्पायर अंकल ने शिंजो की फैमिली वालों को कंट्रोल में करके क्रोमियो को इंसानों के घर में रहने भेज दिया था। क्रोमियो को स्कूल आता देख मकातो खुश होती है और उससे कहती है, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ, पर तुम गुस्सा क्यों थे। तभी वो उससे मुँह फेर लेता है क्योंकि उसके वैम्पायर टीथ बाहर आ गए थे, और उससे दूर रहने को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर उन दोनों को बातें करते वाइस प्रेसिडेंट और चेयरवुमेन देख लेते हैं। स्कूल में सब मकातो की शादी की बातें कर रहे थे, इसलिए हिरोतो क्रोमियो को सैड ना होने को कहता है, पर वो तो म्यूजिक रूम में चला जाता है। तकाकी क्रोमियो को किस कर अपना लव कन्फेस करती है और भाग जाती है, पर मकातो ने ये सब देख लिया था। पर चेयरवुमेन मकातो से कहती है, तुम्हें टीचर होने के नाते सिर्फ क्रोमियो पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के लव अफेयर्स स्कूल में जल्दी फैल जाते हैं। तो वो सॉरी बोलती है। वो कहती है, अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट से शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बेझिझक बता देना, और चली जाती है। क्रोमियो का मूड फ्रेश करने के लिए हिरोतो उसे क्लब में लाया था, पर फ्लैश लाइट्स को देख उसे फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। उन सबको खुश होते देख क्रोमियो को भी अच्छा लग रहा था। इधर शिंजो देखता है कि क्रोमियो उसके बर्थडे वाली फ़ोटो में से गायब है, इसलिए हैरान था। सब बॉय स्विमिंग पूल में मज़े ले रहे थे और वो उन्हें देख रहा था, पर तभी एक लड़के के टकराने से वो पूल में गिर जाता है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। इनफैक्ट जब वो अयोमू था तो वो एक बच्चे को बचाने के लिए एक नदी में कूद गया था, पर ज़्यादा बहाव के कारण उसकी डूबने से डेथ हो गई थी। यानी क्रोमियो को सब कुछ याद आ गया था और वो उसी जगह आता है जहाँ स्कूल टाइम पे मकातो और अयोमू आया करते थे। इधर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को रिंग दिलवा रहा था, पर वो तो अभी भी क्रोमियो के बारे में ही सोच रही थी। पास्ट में हम देखते हैं जब अयोमू ने उसे प्रपोज़ किया था तो मकातो ने भी हाँ कर दी थी। क्रोमियो वैम्पायर अंकल पे गुस्सा करता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं था कि वो पहले इंसान था और सच को छुपाया। वैम्पायर अंकल उसे समझाने लगता है, पर क्रोमियो तो गुस्सा हो चला जाता है। क्रोमियो को अपने घर के बाहर बैठा देख वो उसे अंदर ले आती है। वो पूछता है, अगर अयोमू जिंदा होगा तो तुम क्या करोगी। वो कहती है,
तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। अगर वो ज़िंदा होता तो अब 25 का हो गया होता, पर वो यहाँ नहीं है तो इस होपलेस ड्रीम का क्या फ़ायदा। फिर वो उसके लिए टी बनाने लगी थी, पर देखती है कि करोमियो तो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स मकातो को शादी के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे थे, पर करोमियो उठकर म्यूज़िक रूम में आ जाता है और पियानो बजाते बजाते रो रहा था। हम पास्ट में देखते हैं जब भी वो पियानो बजाते टाइम सेम गलती करता था तो मकातो उसकी गलती ठीक कर देती थी। तभी मकातो करोमियो को देख कहती है, तुमने बिल्कुल अयोमू की जैसी सेम गलती क्यों की। वो उठकर जाने लगा था, वो पूछती है क्या तुम अयोमू हो, तो वो पलट कर देखता है और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।